बारात की तैयारी हो चुकी है। अब हम सभी लोग तैयार हो रहे हैं और यहाँ हमारे वर्जी भी तैयार हो चुके हैं। तो वर्जी तैयार हो चुके हैं, उसके बाद से ना कुछ कुमाऊँनी रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाज निभाने के बाद हम रात को प्रस्थान करेंगे दुल्हन के घर की ओर। तो कहते हैं कि दुल्हन पीछे उल्टा करके बाहर निकलते हैं अपने घर के अंदर से, और फिर आगे में उनकी यहाँ फोटो सेशन हो रहा है दूल्हा दूल्हे के और उनके माता पिता सारे लोग। मैं भी अभी खड़े रहूँगा थोड़ी देर बाद। तो फोटो सेशन हो रहा है और सारे लोग तैयार हो चुके हैं बारात में जाने के लिए। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और हमारा छोटू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये आड़ू के पेड़ में चढ़ गए बिल्कुल। दूल्हे राजा अब आने वाले हैं, तो बारात जाने की तैयारी में है। हर कोई डांस करके जा रहा है बिल्कुल खुशियां मनाते हुए बारात की ओर। दूल्हे राजा आ रहे हैं डोली में बैठ के, और ये बच्चे भी तैयार हैं। लत्तू भी खुश है अपने चाचा की शादी में। तो दूल्हे राजा आ चुके हैं डोली में और ये गेट से निकल चुके हैं। अब हम जाने की हो चुकी है तैयारी। भजू घले की
आप देख सकते हैं कैसे सारे लोग जा रहे हैं बारात की ओर। तो तकरीबन 300-400 लोग तो होंगे बारात में जाने वाले, और ऊपर कोई 100-200 मीटर दूर आने रोड है, तो क्या इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है पहाड़ का। इसमें धूप खिली हुई है और ठंडियों में पहाड़ की अलग ही रौनक आ जाती है, तो वही रौनक आज हमारे पहाड़ में भी है। तो फ्रेंड्स, हम इसी रौनक के साथ जा रहे हैं, और ये ड्रोन ऊपर उड़ा है, आप देख सकते हैं ऊपर। मैं ड्रोन का शॉट कैप्चर किया, हो सकता है मैं भी आऊँगा किसी दिन, ड्रोन का वो आएगा शॉट किसी दिन मैं दिखाऊँगा अगर शॉट होगा तो। हिमालय का कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, देखो साफ दिख रहा है, हमारे घर से तो साफ दिख